नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिंग वॉर्म यानी कि दांत के बारे में। हम जानेंगे इसके होने का कारण क्या है, साथ ही हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल होम्यो क्लिक पे। दोस्तों, आजकल के टाइम पे हमारी स्किन डिजीज़ से जुड़ी हुई एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है कि ज़्यादातर लोगों में ये देखने को मिलता है कि उनको रिंग वॉर्म की समस्या है। हम जानते हैं कि इसके होने का कारण क्या होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे इरप्शन आ जाते हैं और ये रिंग के शेप में होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इसकी वजह से हमें वहाँ पे खुजली होती है, रेडनेस आ जाती है। तो हम बात करते हैं ये कौन से बॉडी पार्ट में हो सकता है। दोस्तों, ये हमारी पूरी बॉडी पार्ट में कहीं पर भी हो सकता है। बेसिकली ये जॉइंट्स पे, यानी आपके आर्म पिट पे और जहाँ पर भी आपके जॉइंट्स हैं, गर्दन पे हो गए या अंडर ब्रेस्ट हो गए और फीमेल्स में, और आपके जेनाइटल्स के आसपास, यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये कंटेजियस होते हैं यानी कि ये छुआछूत से फैलते हैं। तो अगर आपको ये है तो आप अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स से थोड़ा सेपरेट रहिए, उनकी चीज़ें यूज़ ना करें। आप अगर आप उनसे टॉवल यूज़ कर रहे हैं उनका, या शेयरिंग में अपने कपड़े यूज़ कर रहे हैं, तो ये सामने वाले बंदे को भी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इसके जुड़ी कुछ जानकारी। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैसिलिनम 200 की। दोस्तों, ये मेडिसिन हम 200 पोटेंसी में यूज़ करेंगे और आप इसको वीकली एक बार लीजिए। सीधे टंग डोज ले सकते हैं 3 से 4 बूंद की, या फिर आप इसको ग्लोबुल फॉर्म में लीजिए, 4 गोली हफ्ते में एक बार। इसके बाद दोस्तों, अगली जो मेडिसिन है वो है टिलेरियम 30। इसकी हम 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे और इसको हम 3 बार यूज़ करेंगे दिन भर में, सुबह, दोपहर और शाम में। आप सीधे टंग डोज ले सकते हैं 2 से 3 बूंद की, या आप ग्लोबुल फॉर्म में यूज़ करिए, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में। दोस्तों, अगली जो मेडिसिन है वो है CPR 30। दोस्तों, इसकी हम 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे। इसको भी हमें दिन भर में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम में। सीधे टंग डोज ले सकते हैं 2 से 3 बूंद की, आप ग्लोबुल फॉर्म में ले सकते हैं 4 गोली। और इसके बाद दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है वो है डलकामारा 30। दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और इसको आप 3 बार यूज़ करिए दिन भर में, सुबह, दोपहर, शाम में। आप सीधे टंग डोज ले सकते हैं 2 से 3 बूंद की, आप ग्लोबुल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पूरी बॉडी में ये फैल चुका है रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन, तो आप इनके साथ हीपरसल्फर 30 आप 30 पोटेंसी में यूज़ करिए, और इसको भी आपको दिन भर में 3 बार लेना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, सुबह, दोपहर, शाम में 2 से 3 बूंद की। सीधे टंग डोज ले सकते हैं या फिर आप ग्लोबुल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम में। तो दोस्तों, ये थी रिंग वॉर्म से जुड़ी कुछ जानकारी और उसके ट्रीटमेंट की होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।